नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों, हम मोस्टली की जो एन क्लास के जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको जो 20 क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। उनके जो शॉर्ट जो फॉर्म है उनके बारे में बताया कि आपको कैसे उनको याद करना है। बस ये है कि जैसे आप अगली क्लास लो तो उससे पहले एक बार जल्दी जल्दी उनको, एक मिनट या दो मिनट लगेंगे, सभी क्वेश्चंस को क्या कर दिया करो, एक बार रिवाइज कर दिया करो, ताकि आपको कोई गलती नहीं हो और आपको वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, जल्दी जल्दी याद हो जाएंगी। दोस्तों मोस्टली की बुक को जैसे कि मैंने आपको जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इनको जब हम पहली बार के बाद दूसरी बार पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पढ़ाई नहीं हो, लेकिन जैसे आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देखते हो, अच्छे से इसको समझते हो, तो आपको याद जल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको तरीका भी बताया है और मैं आपको हर क्वेश्चन में वो तरीका लिखवाता भी हूँ कि आपको किस प्रकार से उनको याद रखना है। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों 21वें से 30वें क्वेश्चन हम करते हैं, वहाँ पर जो चैप्टर का जो नाम लिखा हुआ है वो चाइल्ड बियरिंग एंड वुमन हेल्थ के एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। लगभग पेज नंबर जो 580 जो पेज है दोस्तों, उसके ऊपर आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप हमेशा उस बुक को खोल लिया करो। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लो और PDF में से उसको देखो, लेकिन साथ में उनको जरूर देखा करो, ताकि आपका जो फियर है, जो डर है ना, वो जो किताब को देखने का, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ मैंने ये बुक है कंप्लीट कर ली है। तो आपको कंप्लीट जो मोस्टली की जो एक्सप्लेनेशन दोस्तों वो TNC के द्वारा करवाए जाएंगे। तो हम बात करते हैं इसके बाद 21वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 21वां जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें ए नर्स टीचेज ए क्लाइंट दैट ए पोस्ट कोइटल टेस्ट, एक टेस्ट है दोस्तों। आजकल वैसे ये टेस्ट परफॉर्म किया नहीं जाता है, बहुत रेयरली कोई ये टेस्ट यूज किया जाता है, नहीं किया जाता। आपको बताऊंगा क्या होता है ये, टू इवाल्युएट फर्टिलिटी शुड बी परफॉर्म। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई पोस्ट कोइटल जो टेस्ट है दोस्तों वो कब किया जाता है, ठीक है, पोस्ट कोइटल जो टेस्ट है दोस्तों वो कब किया जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या है इस टेस्ट के अंदर। बस इस क्वेश्चन में यही है कि एक नर्स वो टीच कर रही है एक पेशेंट को, किसके बारे में, पोस्ट कोइटल टेस्ट के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पोस्ट कोइटल टेस्ट वो होता क्या है और इसको कब करना चाहिए। बस दो चीज़ें हैं दोस्तों, पोस्ट कोइटल जो टेस्ट है इसको शॉर्ट में हम PCT टेस्ट भी बोलते हैं, PCT भी बोलते हैं, पोस्ट कोइटल टेस्ट या PCT टेस्ट है, या इसे हुनर टेस्ट भी बोला जाता है, हुनर टेस्ट, ठीक है। इसे कौन से टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, हुनर टेस्ट के भी नाम से भी जाना जाता है। आजकल ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है क्योंकि एक बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई है परफॉर्म करने के लिए। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो फीमेल है उसका सर्वाइकल म्यूकस देखते हैं और सर्वाइकल म्यूकस की स्टडी हम विद स्पर्म करते हैं। सर्वाइकल म्यूकस लेकर दोस्तों हम जो स्पर्म है उसके साथ उसका ये स्टडी करते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पोस्ट कोइटल टेस्ट के नाम से जानते हैं। पोस्ट मतलब आफ्टर, कोइटस मतलब सेक्स, सेक्स के बाद में जो टेस्ट किया जाए वो पोस्ट कोइटल टेस्ट किया जाता है। फर्टिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है, भाई कोई भी कपल आपके पास आता है वो कहता है कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, पिछले 6 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। तो आप क्या करोगे दोस्तों इस टेस्ट के अंदर, आप उस फीमेल का सर्वाइकल म्यूकस लोगे। तो आप सर्वाइकल म्यूकस देखोगे, उसका करेक्टरिस्टिक्स देखोगे और फिर आप स्पर्म को उससे क्या करवाओगे, क्रॉस करवा कर देखोगे, बाहर जो मेल है उसके स्पर्म लिए जाएंगे। तो ये देखा जाता है कि जो स्पर्म है दोस्तों वो जो स्पर्म है वो उसे म्यूकस को क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो जैसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हो ना, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप क्या पढ़ते जाते हो कि ओवुलेशन से पहले जो सर्वाइकल जो म्यूकस होता है दोस्तों वो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, थिक होता है, जिसे हम स्पिन बार्केट अपीयरेंस के नाम से भी जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, स्पिन बार्केट अपीयरेंस के नाम से भी जानते हैं, बिफोर ओवुलेशन। तो ओवुलेशन से पहले जो सर्वाइकल जो म्यूकस होता है दोस्तों, सर्वाइकल जो म्यूकस होता है वो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, थिक होता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, खींच भी सकते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेचेबल भी होता है, क्या होता है, स्ट्रेचेबल। इसे हम स्पिन बार्केट अपीयरेंस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, स्पिन बार्केट अपीयरेंस। किसके कारण आती है, एस्ट्रोजन के कारण। कौन सी हार्मोन के कारण आती है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ये आती है। अब धीरे धीरे जैसे दोस्तों ओवुलेशन हो जाता है, तो ओवुलेशन के बाद में ये जो सर्वाइकल जो म्यूकस है ना, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, थिन होता जाता है, पतला होता जाता है, थिन होता जाता है ये। और इसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, जो स्ट्रेचेबल खींचना वो भी क्या होती जाती है दोस्तों, कम होती जाती है। अब आप इसको एक अलग वे में समझो, कोई भी चीज़ अगर कोई थिक है तो उसमें से किसी चीज़ को क्रॉस होने में डिफ़िकल्टी होगी या आसानी होगी। तो आप कहोगे सर बड़ी आसान बात है ये, तो जैसे मान लो कि दोस्तों ये सीमन है और यहाँ से स्पर्म को आपको, सॉरी ये म्यूकस है, यहाँ से आपको जो स्पर्म है इसको क्रॉस करवाना है, तो थिक चीज़ से क्रॉस करने में किसी भी चीज़ को क्या होती है दोस्तों, डिफ़िकल्टी होती है, क्या होती जाती है, डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए ही बाद में ओवुलेशन के बाद में क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, ताकि स्पर्म इसमें से क्रॉस करके, क्योंकि स्पर्म को तो कहाँ तक पहुँचना है, सर्विक्स को क्रॉस करके, उस म्यूकस को क्रॉस करके, और उसको कहाँ तक पहुँचना है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट तक पहुँचना है। तो उसको, उस म्यूकस को क्रॉस करना क्या है, जरूरी है, ठीक है। ये आपका यूट्रस है, समझो इसको,
ठीक है। अब स्पर्म को यहाँ से जाना है, अब यहाँ जाएगा और मान लो सर्वाइकल म्यूकस दोस्तों यहाँ पर ज्यादा थिक है, तो वो यहाँ से क्रॉस ही नहीं कर पाएगा और कहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा दोस्तों, इसे एम्प्यूला पार्ट तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ पर क्या है दोस्तों, जहाँ पर आपको ओम अवेलेबल होगा। तो इसलिए ये धीरे धीरे क्या होता जाता है, थिन होता जाता है। थिन होने से क्या होगा, इसको आसानी से क्या कर देगा दोस्तों, क्रॉस कर देगा, आसानी से क्रॉस कर देगा, तो यहाँ से चला जाएगा सीधा और इसको फर्टिलाइज कर देगा। अब इस टेस्ट में हम यही चेक करते हैं कि भाई सर्वाइकल म्यूकस को ये स्पर्म है ये क्रॉस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ज़्यादा थिक होने के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं ये जो सर्वाइकल जो म्यूकस है यही स्पर्म को क्रॉस नहीं होने दे रहा और फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँचने दे रहा हो। वैसे भी बहुत कम स्पर्म पहुँच पाते हैं, आपको पता है लगभग हजारों में ही स्पर्म कहाँ तक पहुँच पाते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, एंटर करते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म में से थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म ही फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करते हैं, बाकी के क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ यहाँ पर वैजेनिक पीएस के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ यहाँ पर मतलब कि सर्वाइकल जो म्यूकस है उसके बीच में आके क्या हो जाते हैं दोस्तों, खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस टेस्ट के अंदर, पीसीटी टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, जो सर्वाइकल जो म्यूकस है उसकी स्टडी किसके साथ करते हैं, हम स्पर्म के साथ करते हैं कि ये जो सर्वाइकल म्यूकस है इसको ये जो स्पर्म है दोस्तों क्रॉस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसे इस टेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम पीसीटी या हूनर टेस्ट के नाम से जानते हैं, पोस्ट कोइटल टेस्ट के नाम से जानते हैं। आजकल ये टेस्ट रेयरली ही परफॉर्म किया जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट आ गए हैं इवैल्यूएशंस के लिए जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि फर्टिलिटी है या नहीं है। तो पहले ही टेस्ट परफॉर्म किया जाता था। अब आपको ये समझना है कि टेस्ट कब किया जाएगा, तो सिंपल सा आप खुद सोचो कि आप सर्वाइकल म्यूकस कोई भी कपल है, ठीक है, वो सेक्स मेट क्रॉस कब करता है, कब चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और सर्वाइकल म्यूकस थिन होना कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आप खुद कहोगे कि जैसे ही जो अब ओवुलेशन का जो हमने अनुमान लगाया कि भाई इस दिन ओवुलेशन होता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि ओवुलेशन कब होता है, 14 दिन पहले होता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग से 14 दिन पहले क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो वो हम लगभग क्या लगाते हैं दोस्तों, अनुमान लगाते हैं। तो उस अनुमान के द्वारा जब ओवुलेशन जब हो जाता है उसी के 1 से 2 दिन के अंदर ही हम क्या करते हैं दोस्तों, ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दौरान उससे पहले तो सर्वाइकल जो म्यूकस है वो कैसा था, थिक था, और थिक सर्वाइकल म्यूकस में से स्पर्म को क्रॉस करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए धीरे धीरे कैसा हो जाता है ये दोस्तों, थिन हो जाता है और जो स्ट्रेचेबिलिटी वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि उसके 1 से 2 दिन के बाद में ये टेस्ट क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में सिंपल सा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भाई पोस्ट कोइटल टेस्ट कब किया जाता है, वो तो मेरे को समझाना पड़ा कि होता क्या है, आपको ये तो पता होना चाहिए ना। तो पोस्ट कोइटल टेस्ट जो ओवुलेशन को हमने प्रिज्यूम्ड किया, प्रिज्यूम्ड का मतलब दोस्तों हमने अनुमान लगाया, हमें पक्का थोड़ी पता होता है कि इसी दिन ओवुलेशन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अनुमान लगाते हैं कि लगभग इस दिन होगा। तो जो ओवुलेशन हमने प्रिज्यूम्ड किया कि भाई इस दिन ओवुलेशन होगा, उसे 1 दिन से और 2 दिन के अंदर अंदर ही हम पोस्ट कोइटल जो टेस्ट है दोस्तों वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 1 वीक आफ्टर ओवुलेशन, तो तब तक तो बिल्कुल थिन हो जाता है और जो सेफ जो पीरियड उसके अंदर मान लो फीमेल जा सकती है, इसलिए हम तो उस टाइम के अंदर टेस्ट परफॉर्म करेंगे जब फर्टिलिटी के चांसेस क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वो कब होते हैं दोस्तों, ओवुलेशन के दौरान होंगे। सिंपल सी बात है, जब ओवुलेशन होता है या उसके 1 से 2 दिन के बीच में क्या होता है दोस्तों, जो फर्टिलिटी के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओवम अवेलेबल हो जाएगा ना, उसके बाद ओवम अवेलेबल नहीं रहेगा, इसलिए ये टेस्ट 1 से 2 दिन में किया जाएगा। तो ये गलत हो गया, इमीडिएटली आफ्टर मेंसेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बाद में, तो उस दौरान भी सेफ पीरियड रहता है तो ये भी नहीं है, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड तो ये भी क्या होता है दोस्तों, सेफ पीरियड होता है, तब भी नहीं करते हैं। तो हम कब ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, विद इन 1 to 2 days ऑफ प्रिज्यूम्ड ओवुलेशन, जो ओवुलेशन का हमने जो अनुमान लगाया उस अनुमान से लगभग 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही ये टेस्ट हम क्या कर देते हैं दोस्तों, परफॉर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हो गया कि पोस्ट कोइटल टेस्ट ओवुलेशन के 1 से 2 दिन के अंदर किया जाता है, ओवुलेशन के 1 से 2 दिन के अंदर किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों, एक हिस्टोग्राम, ठीक है, तो एक टेस्ट दे रखा है इसके अंदर, जिस टेस्ट का क्या नाम है, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, ठीक है, या फिर HSG। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, एक तरह से ये मान लो कि हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। एक्चुअली में विजुअलाइजेशन है किसका, यूट्रस का और फेलोपियन ट्यूब का। यहाँ पर 2 वर्ड आ रहे हैं दोस्तों, एक आ रहा है हिस्टेरो, इसमें लिख देता हूँ क्योंकि वहां पर तो हम वो डालते हैं ना शॉर्ट फॉर्म, हिस्टेरो, और यहाँ पर है साल्पिंजो, और यहाँ है ग्राम, 3 वर्ड है। तो हिस्टेरो का मतलब हमेशा हिस्ट्रा क्या होता है, यूट्रस होता है, तो यूट्रस की साथ में दोस्तों फेलोपियन ट्यूब की स्टडी या विजुअलाइजेशन
ठीक है। तो यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब की जो स्टडी है या विजुअलाइजेशन है दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम या हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी भी इसे हम बोल सकते हैं, ग्राम भी बोल सकते हैं या ग्राफी भी बोल सकते हैं। एक सेकंड रुकना, कहाँ चला गया है? हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम भी लिख लेना और ग्राफी भी लिख लेना। ग्राफी का मतलब विजुअलाइजेशन होता है वैसे भी। अब देखो नेक्स्ट, परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन वेदर देयर इज ए ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन। ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्ट को चेक करने के लिए कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया दो चीज़ें चेक की जाती हैं। एक यहाँ पर क्या चेक किया जाता है दोस्तों? फेलोपियन ट्यूब और एक यूट्रस। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई कहीं फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गया है, इस चीज़ को क्या किया जाता है? असेस किया जाता है। द नर्स कंक्लूड्स, नर्स ये निष्कर्ष निकालती है दैट इनफर्टिलिटी, कि इनफर्टिलिटी जो होती है दोस्तों कॉज्ड बाई ए डिफेक्ट इन द ट्यूब इज द मोस्ट ऑफन रिलेटेड टू, कि भाई कोई भी ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है, मान लो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो वो उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? ये है, ये इतनी पूरी महाभारत बिना काम की है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई भी जो डिफेक्ट है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब के डिफेक्ट का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? ये क्वेश्चन है। ये एन क्लास क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पूरी महाभारत देते हैं फिर सिंपल सी लाइन, लेकिन मैं भी आपको जो शॉर्ट में करवाता हूँ, जो हिंदी में लिखवाता हूँ, वो पूरी महाभारत को हटा के और जो इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस है दोस्तों वही हम लेते हैं। तो अब इसके अंदर दे रखा है दोस्तों, पहला है ट्यूबल इंजरी। हाँ, ट्यूबल इंजरी हो सकती है, डिफेक्ट इन द जो ट्यूब है दोस्तों वो ट्यूबल इंजरी के कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक वर्ड और है, एक वर्ड क्या है दोस्तों? मोस्ट। क्या वर्ड है? मोस्ट है, मोस्ट ओपन, मतलब ज्यादातर इसके कारण क्या होता है दोस्तों? ट्यूबल के अंदर डिफेक्ट आते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर डिफेक्ट आते हैं। ट्यूबल इंजरी के कारण ट्यूबल डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन कोज नहीं है, ये बहुत ही कम केस के अंदर ये देखने को मिला है। लेस चांसेस, लेस केसेज या लेस चांसेज किसके मिलते हैं दोस्तों? ट्यूबल इंजरी के मिलते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है दोस्तों? मोस्ट ढूंढना है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है फिब्रोइड ट्यूमर। फिब्रोइड ट्यूमर कभी भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं पाया जाता है। मेनली ये जो फिब्रोइड जो ट्यूमर है दोस्तों वो किसके अंदर पाया जाता है? यूट्रस के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूट्रस में। और हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो डिफेक्ट है ना वो मोस्टली किसके कारण होता है? तो यूट्रस का तो बताना नहीं है, तो फिब्रोइड जो ट्यूमर है वो किसमें होता है दोस्तों? यूट्रस में होता है। तो ये ऑप्शन तो हमें हमारा अपने आप ही क्या हो गया दोस्तों? हट गया, तो इसको आपने हटा दिया। इसके बाद दोस्तों कॉन्जेनिटल एनोमली। तो कॉन्जेनिटल जो एनोमली है उसके कारण हो सकता है, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके भी क्या होते हैं? बहुत कम चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस अगर फेलोपियन ट्यूब के डिफेक्ट के जो पाए जाते हैं दोस्तों, वो क्या किसके पाए जाते हैं? जो पिछला कोई भी पास्ट कोई भी अगर इन्फेक्शन है, पास्ट जो इन्फेक्शन है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, साल्पिंजाइटिस हो गया या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी मान लो डिजीज है वो हो जाए, तो उसके कारण क्या होते हैं दोस्तों? फेलोपियन ट्यूब के डिफेक्ट होने के जो चांसेज हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? पाए जाते हैं। तो पास्ट इन्फेक्शन या पास्ट पेल्विक इन्फेक्शन भी लिखा हुआ सकता है, साल्पिंजाइटिस भी लिखा हुआ सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज है दोस्तों वो भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पास्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। शॉर्ट में एक लाइन में इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं कि इसमें लिख लो, लिखो ट्यूब के अंदर, ट्यूब फेलोपियन ट्यूब लिखो, ट्यूब तो समझोगे नहीं, फेलोपियन ट्यूब में डिफेक्ट के कारण इनफर्टिलिटी होने का मोस्ट कॉमन कारण पास्ट इन्फेक्शन या ब्रैकेट में लिख लेना पेल्विक या फिर इसमें लिख लेना साल्पिंजाइटिस या फिर लिख लेना पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID होता है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब में डिफेक्ट के कारण क्या हो सकती है दोस्तों? इनफर्टिलिटी हो सकती है, और ये इनफर्टिलिटी होने का जो मोस्ट कॉमन रीजन है दोस्तों वो क्या है? पास्ट इन्फेक्शन है या फिर पेल्विक इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फेक्शन है, साल्पिंजाइटिस है या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, PID होता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद हम जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है कि ए नर्स इज काउंसलिंग ए कपल इन द फर्टिलिटी क्लिनिक, ठीक है। एक कपल आया है फर्टिलिटी क्लिनिक के अंदर, तो फर्टिलिटी क्लिनिक में क्यों आएगा वो कपल? क्योंकि वो क्या नहीं है? फर्टाइल नहीं है, इनफर्टिलिटी है, तभी तो आएगा वो। ऐसे तो है नहीं कि वो नॉर्मल है तब आएगा। तो फर्टिलिटी क्लिनिक के अंदर एक कपल आया है
और उसको नर्स क्या कर रही है, काउंसिल कर रही है, विच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोटोकॉल इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल फॉर द कपल। हमें ये ढूंढना है कि भाई इनमें से ऐसे कौन सी चीज़ है जो किसी भी कपल के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्या होती है, इन चार में से एक चीज़ हमें ढूंढना है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन में के अंदर क्या बता रहा है दोस्तों, कि प्लानिंग वेन टू हैव इंटरकोर्स, कि ये प्लानिंग करना कि इंटरकोर्स कब करना है, ये होती है स्ट्रेसफुल पेशेंट के लिए। दूसरा, नेसेसरी जो सैंपल्स हैं उनको ऑब्टेन करना, उनको प्राप्त करना, ये होता है। दूसरा दोस्तों, ये फर्टिलिटी क्लिनिक को बार बार जब वो आता है इस चीज़ से स्ट्रेसफुल हो सकता है। और टेकिंग डेली बेसल बॉडी टेम्परेचर, उसको डेली क्या लेना पड़ता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर लेना पड़ता है। अब चारों आपको सही से लग रहे होंगे, लेकिन हमें क्या ढूंढना है दोस्तों, मोस्ट स्ट्रेसफुल ढूंढना है। इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, प्लानिंग वेन टू हैव इंटरकोर्स, ये एक कपल के लिए क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। अब इसका रीज़न क्या है उसको समझते हैं। इसका रीज़न ये माना गया है कि जब फर्टिलिटी क्लिनिक के अंदर कोई कपल आता है तो उनको ये बताया जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ तब सेक्स करना है जब क्या होगा, ओवुलेशन होगा। आपको कब सेक्स करना है दोस्तों, ओवुलेशन होगा। अब ओवुलेशन के दौरान ही उनको सेक्स करने के लिए कहा जाता है। तो इससे पेशेंट क्या आता है दोस्तों, एक देखो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है ना, ये एक स्पॉन्टेनियस काम है, अपने आप करने का काम है ये। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप किसी को फोर्स करो कि भाई आपको करना है, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आपको फिर कभी पहले और किस टाइम पे सेक्स करने से ज़्यादा आपको कब सेक्स करना है, जब ओवुलेशन होगा तब सेक्स करना है। तो जो स्पॉन्टेनिटी है ना इस चीज़ की, सेक्सुअल इंटरकोर्स की, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और पेशेंट को एक स्ट्रेसफुल ये मिलता है, जैसे एक काम हो, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे मिलता है उनको, जैसे एक काम हो, ये करना है भाई आपको ओवुलेशन के दौरान। तो इससे पेशेंट क्या आ जाता है दोस्तों, स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये प्लान करना कि भाई कब इंटरकोर्स करना है, उसको बताया जाता है भाई ओवुलेशन के दौरान आपको इंटरकोर्स करना है, ओवुलेशन के एक से दो दिन के अंदर करना है। तो इससे पेशेंट की स्पॉन्टेनिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, भाई अपने आप इस टाइम सेक्स कभी भी किया जा सकता है, लेकिन उनको बता देते आपको तभी करना है। तो इससे पेशेंट क्या आ सकता है दोस्तों, स्ट्रेस में आ सकता है। इन ये सारी चीज़ें हैं ना, इसके अंदर पेशेंट को दोस्तों एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, काम ज़्यादा हो सकता है पेशेंट को, ये हो सकता है कि बार बार विजिट हो रहा है तो परेशान होगा लेकिन स्ट्रेस नहीं लेता वो इस चीज़ का, ठीक है, काम का बर्डन हो सकता है, ठीक है। स्पेसिमेन का लेने का काम जो है इसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं कि भाई स्ट्रेस होगा, फर्टिलिटी क्लिनिक बार बार आएगा, वो टायर्ड हो सकता है लेकिन स्ट्रेस नहीं आता है। स्ट्रेस जो होता है दोस्तों वो मेनली किसके अंदर आता है, कि जब उसको ये कहा जाता है कि भाई आपको इसी दिन सेक्स करना है, तो उसमें पेशेंट क्या ले सकता है दोस्तों, स्ट्रेस ले लेता है, और स्ट्रेस के कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स करना क्या हो जाता है दोस्तों, टफ हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट विल बी प्लानिंग वेन टू हैव इंटरकोर्स, ये जो होता है दोस्तों मोस्ट स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, ठीक है। लिखो लिखो, इनफर्टाइल कपल के लिए, इनफर्टाइल कपल के लिए, कपल के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स को, सेक्सुअल इनफर्टाइल कपल के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्लान करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स को, इंग्लिश में लिख लो को, अरे यार क्या हो गया, इंटरकोर्स को प्लान करना सबसे ज़्यादा, प्लान करना सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। इनफर्टाइल कपल के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्लान करना सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेसफुल होता है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि जेनेटिक टेस्टिंग इज बीइंग डिस्कस्ड विद ए कपल एट द फर्टिलिटी क्लिनिक, ठीक है। किसी भी कपल की जेनेटिक टेस्टिंग की जा रही है, कैरोटाइपिंग किया जा रहा है, उसके जो क्रोमोसोम की जो पैटर्न है उसको देखा जा रहा है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो जेनेटिक क्या की जा रही है दोस्तों, टेस्टिंग की जा रही है, काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, मेल क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। मान लो भाई क्रोमोसोम का जो पैटर्न है वो देख रहा है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, तो ये चीज़ें क्या की जा रही है दोस्तों, टेस्ट की जा रही है विद ए कपल, कपल के साथ में, कहाँ पे, फर्टिलिटी क्लिनिक में। तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो आप, हमारे तो इंडिया में ये चीज़ें नहीं चलती, हम यहाँ पर तो हर चीज़ का अलग अलग दे रखा है, हम तो सीधा हॉस्पिटल बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, हम हॉस्पिटल बोलते हैं, ऐसे मान लो आप यार, तो हर चीज़ में हर अलग अलग क्लिनिक बता देते हैं वो, वॉट इज़, आप हॉस्पिटल मान लिया करो। तो वॉट इज़ द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स वैन दे एक्सप्रेस कंसर्न, ठीक है, कि नर्स का कब बेस्ट रेस्पॉन्स होगा जब ये चीज़ क्या करेंगे दोस्तों, वो कंसर्न करेंगे, तो बेस्ट रेस्पॉन्स नर्स को कब देना है। अभी मैं पहले ऑप्शन समझाऊंगा तब आपको इक्वेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कि भाई ये जो टेस्ट है ना ये क्यों किया जा रहा है इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में नर्स को बता रही है, यू शुड बी टेस्टेड बिकॉज इट विल बी ऑन योर बेनिफिट। नर्स उसको कह रही है कि भाई ये टेस्ट तुम्हारा इसलिए किया जा रहा है कि ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा।
किसी भी टेस्ट का बेनिफिशियल होना नहीं होना, ये लास्ट जो डिसीजन जो होता है ये एक पेशेंट का होता है, एक कपल का होता है, इसके अकॉर्डिंग कपल का, कि वो बताएगी, वो ये बताएगी भाई इस टेस्ट में होता क्या है। कैरियोटाइपिंग होता है, हम आपका सैंपल लेंगे, ये होगा इससे ये इसके अंदर ये साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, ये एडवर्स रिएक्शन हो सकती है, ऐसे रिजल्ट आता है, ये चीज़ें बताना जरूरी होता है नर्स का। नर्स को पेशेंट को ये नहीं बताना कि भाई ये बेनिफिशियल होता है, ये करवा लो, तो ये तो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है ऐसा हो गया ना, तो ऐसी चीज़ें नर्स को नहीं करनी चाहिए। ये जो बेनिफिशियल का जो काम है ना, ये किसका है दोस्तों, कि बेनिफिट होगा नहीं होगा, ये सब लास्ट में कौन डिसीजन लेगा, पेशेंट डिसीजन लेगा। इस चीज़ का डिसीजन कौन लेगा दोस्तों, पेशेंट लेगा, नर्स नहीं लेगी। तो ये क्या है दोस्तों, गलत हो गया। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग विल डिटरमाइन यू विल नीड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये कह रहा है कि ये जो टेस्ट करोगे ना, तो ये आपको ये बताएगी कि आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। मान लो कि कपल है इनफर्टाइल हुआ, तो ये चीज़ आपको ये बता देगी कि भाई आपको क्या पड़ेगा दोस्तों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। लैब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं उसकी क्या पड़ेगी आपको दोस्तों, जरूरत पड़ेगी। अभी मैं समझाऊंगा कि आंसर क्यों नहीं सही है। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव ए जीन फॉर ए डिजीज, अगर आपके डिजीज के अंदर जीन पाया जाता है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है कि दैट योर चिल्ड्रन विल इनहेरिट इट। कि अगर आपके इसके अंदर जीन में कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है, जीन की कोई भी डिजीज पाई जाती है, तो आपके बच्चे के अंदर भी क्या होगी दोस्तों, ये डिजीज होगी। अब एनक्लेस के मोस भी जो है वो क्या कहती है इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में ये कहती है कि ये सब चीज़ें हैं ना रिजल्ट आने के बाद बताना चाहिए, टेस्ट के बाद में बताना चाहिए। हो सकता है वो नॉर्मल हो और आप उनको किस में डाल दोगे दोस्तों, स्ट्रेस में डाल दोगे कि आपको डिजीज हो गई तो आपके बच्चे को भी हो जाएगी। अभी तक उसमें बताया है कि कोई उसमें उनको प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। पेशेंट नॉर्मल भी हो सकता है और कोई भी रीजन हो सकता है, मान लो फर्टिलिटी क्लिनिक में आया है, मतलब मान लो इनफर्टाइल है, लेकिन कोज और कुछ हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी जेनेटिक की कोज हो, तो दोस्तों वो भी नहीं है। और कई बार जेनेटिक टेस्टिंग तो नॉर्मल वे में भी करवा लिया जाता है, नॉर्मल वे में भी करवा लिया जाता है, जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है, ठीक है, ये सब नॉर्मल है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, कि भाई ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, मान लो नॉर्मल आपको आपने उसको स्ट्रेस में डाल दिया कि भाई फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा, आपके अंदर डिजीज है, तो आपके बच्चे में भी ये डिजीज आ सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना दोस्तों, टेस्ट के रिजल्ट के बाद में बतानी चाहिए, न कि उस दौरान। तो ये दोनों ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, कि जेनेटिक टेस्टिंग की ये दोनों जो चीज़ें हैं कि भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी या फिर बच्चों के अंदर भी ये हो सकती है, ये सब चीज़ें लेटर बताना है, अभी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि इसका राइट आंसर भी है, ये बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि भाई एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो जेनेटिक फैक्टर्स को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आपने ये देखते हैं हम हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ पर मान लो हम कह रहे हैं भाई वो डिजीज़ क्या कर रही है दोस्तों, फैलती जा रही है रेडिएशन के कारण, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो और जाती जा रही है, ठीक है। और भी जो डिजीज़ होती हैं वो एनवायरमेंटल जो फैक्टर हैं दोस्तों, एनवायरमेंट फैक्टर में कुछ भी आ सकता है, आपका पॉल्यूटेंट आ सकते हैं, रेडिएशन आ सकते हैं, केमिकल्स आ सकते हैं। तो ये दो जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, ये जेनेटिक फैक्टर को क्या करते हैं दोस्तों, अफेक्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल नर्स बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ये बात क्या है दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये बात क्या है, एक्यूरेट है। और एक्यूरेट कोई भी बात नर्स बताएगी ना, तो उसके क्या फायदे होंगे, एक तो पेशेंट को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और पेशेंट का जो माइंड है ना, वो कम्युनिकेशन के लिए खुल जाता है। पेशेंट का जो माइंड है वो कम्युनिकेशन के लिए खुल जाता है, मतलब कि पेशेंट को मतलब कोई भी एंजाइटी हो रही होगी, जब उसको ये बताएगी तो और पूछेगा, वो पूछेगा भाई एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, इससे कैसे फैलता है, कैसे ये जेनेटिक फैक्टर को। तो कभी भी जब अच्छा कम्युनिकेशन होगा, एक गुड एक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तो पेशेंट का जो स्ट्रेस है, जो टेस्ट के कारण हो रहा था, जेनेटिक टेस्टिंग के कारण, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ऐसे ओपन वर्डिंग यूज करने चाहिए। ओपन का मतलब आगे का कम्युनिकेशन शुरू करने वाले वर्ड, ठीक है। तो ऐसे वर्ड करने से क्या होगा कि पेशेंट का एक तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उसकी एक एंजाइटी जो स्ट्रेस है दोस्तों, वो क्या होगा, थोड़ा सा उससे कम हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, उसको कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ बताएगी तो क्वेश्चन अराइज होंगे ना वहाँ से। तो कम्युनिकेशन क्या होती है दोस्तों, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन से ओपन होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, दैट विल बी एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, वो जेनेटिक फैक्टर्स पे क्या डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ लिखवाऊंगा भी यही लाइन, क्वेश्चन लिखवाने की यहाँ पर कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं, बस सिंपल सही ध्यान रखो, या लिखना चाहो तो लिख लो कि जेनेटिक टेस्टिंग के दौरान, लिखो जेनेटिक टेस्टिंग के दौरान नर्स को कपल को ये बताना चाहिए, कपल को ये बताना चाहिए कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जेनेटिक फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं
जेनेटिक फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग के दौरान नर्स को कपल को ये बताना चाहिए कि एनवायरमेंटल फैक्टर जेनेटिक फैक्टर को क्या करते हैं दोस्तों, अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 2500 जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद ए डायग्नोसिस ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक कंडीशन है यहाँ पे टोरिजन ऑफ द टेस्टिस, जो स्पर्मेटिक जो कोड है ना दोस्तों उसका टोरिजन हो जाना मतलब मुड़ जाना क्या कहलाता है, टोरिजन ऑफ टेस्टिस कहलाता है ये। इसके बारे में और बताऊंगा मैं आपको, पहले क्वेश्चन को सुनो। एक क्लाइंट इज एडमिटेड विद डायग्नोसिस, एक क्लाइंट एडमिट हुआ उसको क्या डायग्नोसिस है दोस्तों, टोरिजन ऑफ टेस्टिस डायग्नोसिस है। क्या है, टोरिजन ऑफ टेस्टिस डायग्नोसिस है। इसके बाद क्या दे रखा है इसमें, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, नर्स को कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए व्हेन द क्लाइंट आस्क, जब मरीज ये पूछे कि व्हाई मस्ट आई हैव सर्जरी इमीडिएटली, नर्स ने उसको बताया कि आपको है ना इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत है, तो पेशेंट ने पूछा कि बताओ क्यों मुझे सर्जरी की इमीडिएट जरूरत मुझे क्यों है। ऑप्शन ए कह रहा है कि देयर इज नो अदर वे टू कंट्रोल द पेन, कि आपको जो दर्द हो रहा है ना टोरिजन ऑफ टेस्टिस के कारण, इसका इसको ठीक सिर्फ सर्जरी से ही किया जा सकता है, ये दर्द जो है ना सर्जरी के अलावा और किसी चीज से सही नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है दोस्तों कि कुछ घंटों के अंदर ही आपके अंदर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इररिवर्सिबल डैमेज क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या दोस्तों, स्वेलिंग जो है दोस्तों वो एक्सेसिव हो जाएगी विच मे कोज द टेस्टिकल टू रैप्चर, कि स्वेलिंग हो जाएगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसके कारण आपके जो टेस्टिकल्स है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, रैप्चर हो जाएंगे। देयर इज ए रिडक्शन इन टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो, ठीक है, कि जो टेस्टिकुलर जो ब्लड फ्लो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके जो स्पर्म है उनकी क्या होने लग जाएगी, डेथ होने लग जाएगी। चार चीजें बताई, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। टोरिजन ऑफ जो टेस्टिस है दोस्तों इसे हम एक मेडिकल इमरजेंसी मानते हैं, दिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब क्या है दोस्तों, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर इमीडिएट ट्रीटमेंट की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, उसे हम किस नाम जानते हैं, मेडिकल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। टोरिजन ऑफ टेस्टिस किसी का भी हो गया, एक तरह से स्पर्मेटिक कोड है दोस्तों उसका क्या हो जाता है, टोरिजन हो जाता है, वो मुड़ जाती है। तो टोरिजन होने के कारण क्या हो जाता है दोस्तों, जो टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई है, टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई है दोस्तों वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है, डिक्रीज और ब्लॉक। अब अगर ब्लॉक हो गई, ब्लड सप्लाई रुक गई दोस्तों, तो इसके कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, डैमेज स्टार्ट हो जाएगा टेस्टिस का क्या स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, गैंग्रीन हो सकता है, या फिर आप ये मानो कि जो भी डैमेज जो होगा दोस्तों वो कैसा होगा, टिश्यू डैमेज मान लो ऐसा लिखा हुआ सकता है कि टेस्टिकल्स टिश्यू डैमेज हो जाएगा। ये टिश्यू डैमेज जो होगा दोस्तों ध्यान रखना ये इरिवर्सिबल होगा, क्या होगा, इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर एक बार ये डैमेज स्टार्ट हो गया टेस्टिकल्स का, तो इसको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, टेस्टिस अगर डैमेज होना स्टार्ट हो गए तो फिर वापस से उनको क्या नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए ही उस टोरिजन को हटाना क्या है दोस्तों, जरूरी है। इसलिए ही सर्जरी क्या है, इमीडिएटली जरूरी है, और इसीलिए ही ये एक क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। इसलिए ही टोरिजन ऑफ टेस्टिस जो होता है दोस्तों एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। क्यों, क्योंकि अगर आपने जल्दी ही सर्जरी नहीं की, ब्लड सप्लाई नहीं दी, गैंग्रीन हो गया, टेस्टिस क्या होने लग जाएंगे दोस्तों, टेस्टिस डैमेज हो जाएंगे और वापस से वो ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए नर्स ने उसको कहा था जब वो पेशेंट आया टोरिजन ऑफ टेस्टिस का, कि आपको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है। और आप उसको क्यों बताओगे, क्योंकि आपको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक बार आपकी टेस्टिस के अगर टिश्यूज का लॉस होने लग गया तो वो वापस से वो ठीक नहीं हो पाएंगे। चलो अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं और अच्छे लगेंगे, इसके ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं। पहले देयर इज नो अदर वे टू कंट्रोल द पेन, नहीं, पेन मेडिकेशंस देकर हम पेन को तो कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पेन को कम नहीं कर सकते, भाई सर्जरी से पेन कम होगा वो बिल्कुल गलत है। आप पेन मेडिकेशन देखिए, पेन को तो क्या कर सकते हो दोस्तों, सही कर सकते हो। तो ये रीजन बताना कि आप पेन को कम करने के लिए हम सर्जरी कर रहे हैं, तो आप क्या बता रहे हो, पेशेंट को गलत चीज बता रहे हो, सिर्फ पेन को कम करने के लिए थोड़ी कर रहे हो आप सर्जरी। दूसरा थर्ड देखते हैं, पहले स्वेलिंग इज एक्सेसिव, स्वेलिंग एक्सेसिव होती है विच मे कोज द टेस्टिकल टू रैप्चर, एक्चुअली में स्वेलिंग के कारण कभी नहीं देखा गया कि जो टेस्टिकल्स हैं वो क्या हो सकते हैं दोस्तों, रैप्चर हो सकते हैं, टेस्टिकल्स का रैप्चर होना देखा नहीं गया है इसके अंदर। ठीक है, इस टोरिजन ऑफ टेस्टिस के अंदर जो स्वेलिंग के कारण, स्वेलिंग आ सकती है ठीक है, लेकिन उसके कारण कभी भी टेस्टिस जो होते हैं दोस्तों वो क्या नहीं होते, रैप्चर नहीं होते हैं। तो ये बात में नर्स ने क्या कह दिया, उसको गलत बता दी। नेक्स्ट जो है, देयर इज ए रिडक्शन इन टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो, जो टेस्टिकुलर जो ब्लड फ्लो है आपका कम हो गया,
ठीक है ये बात, हाँ ठीक है ये बात सही है। नेक्स्ट, विच लीड्स टू रैपिड डेथ ऑफ स्पर्म, जिससे स्पर्म की डेथ स्टार्ट हो जाएगी। भाई स्पर्म की डेथ का इसका क्या लेना देना। दूसरी बात दोस्तों, स्पर्म जो है कंटिन्यूस बनते रहते हैं। अगर मान लो स्पर्म की डेथ हो भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, स्पर्म की डेथ होने से दोबारा से स्पर्म बन जाएंगे। इसलिए ये जो दूसरा जो सेंटेंस है कि विच लीड्स टू रैपिड डेथ ऑफ स्पर्म, ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। सर्जरी हम इसलिए नहीं कर रहे कि भाई स्पर्म की डेथ हो रही है, स्पर्म की डेथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्पर्म जो है वो कंटिन्यूस क्या होते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो क्या है इसका आंसर कि वहां के जो टिश्यूज जो होते हैं दोस्तों, उन टिश्यूज के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, इररिवर्सिबल डैमेज हो रहा है, जो कि कुछ घंटों के अंदर ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और अगर एक बार ये डैमेज स्टार्ट हो गया तो वो फिर वापस से ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए उस पेशेंट को इमीडिएटली सर्जरी की क्या है दोस्तों, जरूरत है। तो लिखो टोरिजन ऑफ टेस्टिस के, ठीक है, टोरिजन ऑफ टेस्टिस एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। थोड़ा सा सही लिखवा देता हूँ इसमें ना, मैं चाहता तो एक ही लाइन लिखवा देता, इमरजेंसी है जिसमें इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत होती है, जिसमें इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत होती है। नहीं तो कुछ घंटों में ही टेस्टिस का इररिवर्सिबल डैमेज स्टार्ट हो जाता है। इररिवर्सिबल मतलब एक बार हो गया तो वापस ही नहीं होगा, इररिवर्सिबल डैमेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में आपने इसको देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है, ए नर्स एट द फर्टिलिटी क्लिनिक, एक नर्स हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, हमारे सिंपल वर्ड यूज कर लो आप, क्यों फर्टिलिटी क्लिनिक इतना परेशान हो। काउंसलिंग एक कपल को काउंसिल कर रही है अबाउट द टेस्ट दैट विल बी नीडेड टू डिटरमाइन द कोज ऑफ देयर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के जो टेस्ट है ना दोस्तों उनके बारे में बता रही है, किसके बारे में बता रही है कि इनफर्टिलिटी के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। विच टेस्ट शुड द नर्स डिस्क्राइब, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो नर्स डिस्क्राइब करेगी, दैट विल इवाल्युएट, जो इस चीज़ को बताएगा कि वुमन के जो रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन है ना उनको डिस्क्राइब करता है। मतलब वो कहेगी भाई ये जो टेस्ट जो मैं करवा रही हूँ ना, इससे ये जो फीमेल है इसके जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है ना उनके बारे में पता लगेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पता लगेगा, ऐसा कौन सा टेस्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला दोस्तों बायोप्सी से पूरे ऑर्गन का कोई पता नहीं लगता। बायोप्सी में हम तो कुछ सेल लेते हैं, उस सेल से अगर आपको मान लो सीए का जानना हो, कैंसर के बारे में जानना हो, तो उसका हम पता लगा सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के ऑर्गन के बारे में लगाना कि इनफर्टिलिटी का कोज क्या है, तो इनफर्टिलिटी के अंदर बायोप्सी करने का कोई फायदा यहाँ पे नहीं होता। सिस्टोग्राम में तो कुछ लेना देना ही नहीं है। सिस्टोग्राम किसके लिए किया जाता है, विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। पाउच ऑफ डगलस से अगर आप उसके विजुअलाइजेशन करते हो तो उसे हम कोल्डोस्कोपी के नाम से जानते हैं, इसे हम कोल्डोसैक भी बोलते हैं। तो कोल्डोसैक के अंदर दोस्तों जैसे ये यूट्रस हो गया, ये यहाँ पे रेक्टम हो गया, ये जो जगह हो गई दोस्तों ये क्या कहलाती है, पाउच ऑफ डगलस कहलाती है, इधर ब्लैडर होता है, ठीक है। तो पाउच ऑफ डगलस से हम फ्लूड लेते हैं दोस्तों, उस फ्लूड को एग्जामिन करते हैं, तो इस टेस्ट को हम किस नाम जानते हैं, कोल्डोस्कोपी के नाम से जानते हैं। तो ये टेस्ट जो है ना इनफर्टिलिटी के लिए नहीं किया जाता है, मेनली ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज है ना उसको असेस करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज है उसको असेस करने के लिए किया जाता है। इसे हम और ये जो जगह है इसे और किस नाम से जानेंगे दोस्तों, तो ये रेक्टम ही यूट्रस है, तो रेक्टो यूटेराइन पाउच, ठीक है। और यहाँ पर ये इसको ब्लैडर को वेसिकल बोलते हैं, तो वेसिको यूटेराइन पाउच बोलते हैं, इधर इसको क्या बोलते हैं, वैसिको यूटेराइन पाउच और इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टो यूटेराइन पाउच या फिर पाउच ऑफ डगलस या फिर कोल्डोसैक के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ये किस लिए किया जाता है, पीआईडी के लिए किया जाता है, नेक इनफर्टिलिटी को जानने के लिए। चलो इनफर्टिलिटी के पीआईडी के कारण भी हो सकता है, लेकिन ये इसको कैसे बताएगा, इसको वुमन ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन को कैसे बताएगा, तो इन्फेक्शन को बताएगा ना। अगर मान लो इसने कोज बताई भी देगा पीआईडी के कारण इनफर्टिलिटी हो रही है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो चीज़ बतानी है जिसके कारण वुमन के जो ऑर्गन्स है ना रिप्रोडक्शन के उनके बारे में पता लगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। लास्ट जो ऑप्शन है वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर भी हो जाएगा कि हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम। मैंने आपको वहाँ भी बताया था हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी को हम किस नाम से जानते हैं, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम के नाम से जानते हैं। तो हिस्टेरो का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, यूट्रस,
और साल्पिन जो को मतलब क्या होता है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब। तो यूट्रस और फैलोपियन जो ट्यूब है दोस्तों उसका जो विजुअलाइजेशन है, ठीक है, उसका जो विजुअलाइजेशन है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे ही हम हिस्टेरोसाल्पिन जो ग्राम के नाम से जानते हैं। और हम जानते हैं यूट्रस और जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या है दोस्तों, वुमन के ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन भी हैं, वुमन के ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन में भी शामिल है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल से इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो लिखो वुमन के रिप्रोडक्शन के ऑर्गन को, वुमन के रिप्रोडक्शन के ऑर्गन को इवाल्युएट करने के लिए हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम टेस्ट किया जाता है। हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम टेस्ट किया जाता। बस एक लाइन में हो गया पूरा खत्म। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर हर फर्स्ट रूटीन पेप स्मेयर टेस्ट जो टेस्ट है वो पहली बार हो रहा है और हम उस क्लाइंट को क्या कर रहे हैं उस चीज़ के लिए दोस्तों प्रिपेयर कर रहे हैं। नर्स यह निश्चित करती है कि दैट सी अपीयर्स एनेक्सियस। उसको लगता है कि जो पेशेंट जो है जिसका पेप स्मेयर टेस्ट किया जाता है ना वो चिंतित दिख रहा है। ठीक है, एक पेशेंट है उसका कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, पेप स्मेयर टेस्ट कर रहे हैं, पेपेनी कोलाउ टेस्ट कर रहे हैं और वो हमें क्या दिख रही है, चिंतित दिख रही है। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड एज पार्ट ऑफ द टीचिंग प्लान। तो नर्स को अपने टीचिंग प्लान के अंदर क्या इंक्लूड करना चाहिए, उसको ये इंक्लूड करना चाहिए क्या, एक थप्पड़ मारूंगी फालतू में डर रही है, ऐसा कोई टेस्ट है होता ही नहीं है, कोई डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे इंक्लूड करना चाहिए उसको, या ऐसे करना चाहिए कि अभी ज़्यादा रोई तो तुम्हारे पापा को बुला लूँगी, या फिर ऐसे इंक्लूड करना चाहिए कि हॉस्पिटल से भगा दूँगी तुम्हें मैं अगर ऐसे रोई हुई सी शक्ल बना ली तो। ठीक है, ये इंक्लूड करना चाहिए। तो यही चीज़ इसमें पूछ रहा है ये कि इसमें क्या करना चाहिए। तो पहला दे रखा है कि करंट स्टेटस, पहला बाद में बनेंगे, पहले बाकी के करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्ली सिम्टम्स ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। एक्चुअली में दोस्तों सर्वाइकल कैंसर के अंदर ज़्यादातर अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं और पैप स्मेयर टेस्ट इसके अर्ली सिम्टम्स को वैसे भी बता नहीं पाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। पैप स्मेयर टेस्ट होता क्या है ये तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो सर्विक्स जो होता है दोस्तों, उस सर्विक्स से हम क्या करते हैं, वहाँ की सेल्स लेते हैं और उनको क्या करते हैं दोस्तों, एग्जामिन करते हैं, जिससे हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता लगता है। तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, पैप स्मेयर टेस्ट के बारे में, पैप स्मेयर टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें ये कह रहा है कि भाई अर्ली सिम्टम्स को बता देगा। तो सर्वाइकल कैंसर के अंदर ज़्यादातर अर्ली सिम्टम्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं और वो भी पैप स्मेयर टेस्ट के द्वारा नहीं बताए जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई देयर इज स्मॉल रिस्क फॉर सर्वाइकल कैंसर। कि भाई पेशेंट चिंतित है तो आप उसको ये कह दो कि क्यों डर रही है बहन, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, आप पेशेंट को ये कह दो कि सर्वाइकल कैंसर के चांसेस तो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो भाई ये बात तो क्या हो गई, झूठी हो गई। इसे हम फाल्स एश्योरेंस के नाम से जानते हैं कि आप एक मरीज को झूठी तसल्ली दे रहे हो। हिंदी में फाल्स एश्योरेंस को क्या बोलते हैं, झूठी तसल्ली दे रहे हो कि भाई आपका तो कोई रिस्क ही नहीं है। बिल्कुल भी ये बात दोस्तों क्या है, गलत है। सर्वाइकल जो कैंसर वो फीमेल के अंदर इसके रिस्क क्या होते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बाद। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन अबाउट द पर्पज ऑफ द पेपेनी कोलाउ स्मेयर। आप उसको क्या करोगे, एक किताब दे दो उसको मोटी सी, मोसबी की, ठीक है, जो लिखी हुई है, और उसको इसको पढ़ लो, चिंता खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों कभी भी कोई पेशेंट, मतलब कि वो मजाक में बोल रहा हूँ, रिटर्न के अंदर आप उसको दे दो कोई चीज़, 3-4 पेज दे दो कि लबा इसको पढ़ ले, और इसको पढ़ने से क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों कोई आप एनेक्सियस हो, आप टेंशन में हो, तो आप खुद ही नहीं पढ़ पाते हो, और वो पेशेंट कैसे पढ़ पाएगी जो बेचारी पैप स्मेयर को बारे में कुछ जानती नहीं है, जिस टेस्ट के बारे में कोई भी नहीं जानती है। तो एंजाइटी को कम करने के लिए उस समय रिटर्न इंस्ट्रक्शन देना तो बिल्कुल क्या है, गलत बात है, पागलपन है ये तो। क्यों, क्योंकि पेशेंट वैसे ही चिंतित है और आपने उसको पढ़ने के लिए और बोल दिया, पढ़ने से उस पेशेंट की तो जान ही निकल जाएगी बेचारे की, यहाँ पर मैं पढ़ने आई हूँ, ये टेस्ट करवाने आई हूँ। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन देना भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर होगा। क्या है देखो, इसका आंसर क्या है इसको मैं समझा देता हूँ।
करंट स्टेटिस्टिक से ऑन द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। उसको हम रियल चीज बताएंगे कि भाई क्या क्या डाटा होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, क्या 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 है डाटा है, इन सब के बारे में हम उसको क्या बताएंगे दोस्तों, बता देंगे उस पेशेंट को कि भाई ये डाटा होते हैं, इतने लोगों में होता है, महिलाओं में ऐसे पाया जाता है, इस कैंसर के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये उसको हम समझाएंगे। उससे क्या होता है करंट चीज़ें से, वही बात एक क्वेश्चन और आया था हमारे पैसा पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक तो क्या है दोस्तों रियल, ठीक है, अच्छी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और दूसरा क्या होगा दोस्तों इससे कम्युनिकेशन खुलेगा। इससे क्या खुलेगा कम्युनिकेशन, क्यों कम्युनिकेशन, क्यों जब ऐसी चीज़ें पेशेंट को बताई जाएंगी तो वो और चीज़ पूछेगी कि इंडिया में कितनी होती है, कौन सा कैंसर होता है, कब होता है, कैसे होता है। तो जब कम्युनिकेशन कोई भी पेशेंट करता है तो उस दौरान उसकी एंजाइटी क्या हो जाती है दोस्तों कम हो जाती है, क्योंकि जिस चीज़ की चिंता है वही क्या कर दी जाती है दूर कर दी जाती है। तो हम उसे झूठी तसल्ली नहीं देंगे, फॉल्स एश्योरेंस नहीं देंगे, हम उसे रियल जो डाटा है करंट जो स्टेटिस्टिक्स है दोस्तों उसके बारे में हम उसको बताएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी फर्स्ट, लिख लो। देखो पैप स्मेयर टेस्ट के दौरान अगर कोई मरीज पैप स्मेयर टेस्ट के दौरान अगर कोई मरीज चिंतित, एनेक्सियस लिख लो, इतना भी हिंदी मत लिखो, एनेक्सियस दिखाई देता है तो नर्स को उसे सर्वाइकल कैंसर के करंट स्टेटिस्टिक्स से ब्रैकेट में डाटा लिख लेना, कहीं डर जाओ, स्टेटिस्टिक्स डाटा के बारे में बताना चाहिए, के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने आपको लगभग करवा दिया है पिछली क्लास में, फिर भी मैं दोबारा से एक बार करवाता हूँ, मतलब और कोई क्वेश्चन था उसमें एग्जांपल में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। एक क्लाइंट हु मेंस्ट्रुएट्स रेगुलरली एवरी 30 डेज, ठीक है, एक क्लाइंट है दोस्तों उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन में आता है, 30 दिन के अंदर आता है। आज के नर्स ऑन वॉट डे सी इज मोस्ट लाइकली टू ओवुलेट, तो वही पूछ रही है कि मुझे ये बताओ कि मैं कौन से दिन ओवुलेट करूँगी। हर लास्ट मेंसेज स्टार्टेड ऑन January 1, उसका जो लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दोस्तों वो 1 जनवरी को क्या हुआ है स्टार्ट हुआ है। ऑन वॉट डे इन जनवरी शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, कि भाई तुम्हारा जो ओवुलेशन है वो कब स्टार्ट होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फीमेल का ग्राफ बना लो, अरे एक सेकेंड, ओ ये लो यहाँ पर है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को क्या है उसका, हर लास्ट मेंसेज स्टार्टेड ऑन January 1, उसके मेंसेज स्टार्ट हुए दोस्तों वैसे मान लो 1 जनवरी को, 1 जनवरी को उसके मेंसेज स्टार्ट हुए हैं, 30 दिन की उसकी साइकिल है, 30 डेज की उसकी साइकिल है, तो ओवुलेशन कब होगा। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रखा है कि नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है दोस्तों, मतलब नेक्स्ट मतलब यहाँ पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट है, इससे 14 दिन पहले बिफोर 14 डेज यहाँ पर क्या होगा दोस्तों ओवुलेशन होगा। तो 30 दिन की है तो 30 में से 14 गए तो यहाँ पर कौन सा दिन आया, 16th day आया, ठीक है, तो 16 क्या आ गया, 1 जनवरी थी तो यहाँ कौन सी जनवरी आ जाएगी, 16 जनवरी, तो 16 जनवरी को उस पेशेंट का क्या होगा दोस्तों ओवुलेशन होगा। अब मैंने आपको इसको तरीका है जो वो मैंने समझाया भी था, इसका रीज़न क्या है हम क्यों नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 दिन पहले लेते हैं, उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो फेजेज होती हैं, ठीक है, दो फेजेज होती हैं, किसके अंदर, ओवेरियन फेजेज के अंदर, यूटेराइन जो फेजेज हैं उसके अंदर 3 फेजेज होती हैं, वो अलग चीज़ है कि आप उसमें ब्लीडिंग फेज पढ़ते हो, प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी फेज पढ़ते हो, ओवेरियन फेजेज पढ़ते हो तो वहाँ पर दो फेज पढ़ते हो आप, एक फोलिकुलर फेज, एक क्या पढ़ते हो फोलिकुलर फेज, और दूसरी कौन सी पढ़ते हो दोस्तों ल्यूटियल फेज। तो हमेशा हम 14 दिन पहले क्यों लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ल्यूटियल फेज जो होती है ना ये कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट का मतलब दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होता है, ये हमेशा कितने दिन की रहेगी, 14 दिन की ही रहेगी। चेंज कौन होता है दोस्तों, चेंज होती है फोलिकुलर फेज, तो यहाँ पर हमेशा 14 ही रहेंगे, तो यहाँ हमेशा 14 रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ओवुलेशन होगा, क्योंकि ये तो चेंज होगा ही नहीं,
तो यहाँ से ये वाला जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो हम देखेंगे पहले दिन से, ये वाला टाइम पीरियड देखेंगे कब क्या होगा दोस्तों ओव्यूलेशन होगा। तो इसलिए जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से हमेशा 14 दिन पहले क्या होगा दोस्तों ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा ना, ये तो 14 रहेगा, ये हमेशा चेंज होता रहता है। कैसे, एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, मान लो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, 28 दिन की, तो ये 14 दिन हो गए, ये भी कितने दिन हो गए दोस्तों 14 दिन, तो 14वें दिन क्या हो जाएगा ओव्यूलेशन हो जाएगा, वो ठीक है 28 दिन के लिए। लेकिन मान लो दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उस फीमेल के अंदर 32 दिन की होगी, तो ये तो चेंज नहीं होगा ना, ये तो 14 ही रहेगा, तो यहाँ पर ये फेज कितने दिन की हो जाएगी फिर 32 दिन की होगी, तो ये 18 दिन की हो जाएगी, तो 18वें दिन हो जाएगा ओव्यूलेशन, कौन से दिन हो जाएगा 18वें दिन। और अगर यही फेज 30 दिन की होगी तो ये तो 14 ही रहेगा, ये कितने दिन का हो जाएगा 16 दिन का हो जाएगा, तो फिर कौन से दिन ओव्यूलेशन होगा 16वें दिन ओव्यूलेशन होगा। ऐसे आप किसी भी दिन का क्या निकाल सकते हो दोस्तों, किस कोई भी टाइम पीरियड दे रखा हो आप उसको निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 16। अब ये मत कह देना बस मुझे आपसे, मैं ये हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि ये मत कह देना कि सर बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन करो, इसमें तो कोई मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि भाई देखो 16 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसमें 16 नहीं आ रहा, 7 तो ऐसे लिखते हैं, 16 को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये तो अलग अलग हो गया, लिखना मिल नहीं रहे, तो ऐसा तो बताऊंगा नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बाकी की रैशनल एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, 16 जनवरी को उस पेशेंट को क्या होगा दोस्तों ओवुलेशन होगा। अब इसमें लिख लो ओवुलेशन, ओवुलेशन नेक्स्ट मेनस्ट्रुअल साइकिल के, नेक्स्ट मेनस्ट्रुअल साइकिल से, नेक्स्ट मेनस्ट्रुअल साइकिल से 14 दिन पहले होता है, 14 दिन पहले होता है, पहले होता है। देखो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 30 एग्जाम्पल के लिए 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन, ओवुलेशन 16वें दिन होगा, 16वें दिन। बस क्वेश्चन भी हो गया और इसका कंसेप्ट भी हो गया, दोनों चीज़ें हो गई, और आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, 5 करोड़ रुपए के लिए, ए क्लाइंट हु हैज ए डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन है दोस्तों किसकी, एंडोमेट्रियोसिस की। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर वापस से आएंगे एक बार। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है दोस्तों कि एंडोमेट्रियम जो लेयर कहाँ पाई जाती है, यूट्रस के अंदर पाई जाती है। तो अगर ये एंडोमेट्रियम लेयर यूट्रस को छोड़ के और बाहर की तरफ निकलने लग जाए, बाहर की तरफ कहाँ जाएगी भाई, बाहर की तरफ इधर जाएगी, तो ये जो लेयर है दोस्तों कहाँ जाती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाए, या फिर ओवरी के ऊपर कर जाए, या फिर बाउल के ऊपर भी कर सकती है, इंटेस्टाइन है वहाँ पे भी कर सकती है। तो वहाँ पर अगर ये लेयर डिपॉजिट होने लग जाए तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं, कि एंडोमेट्रियम का बाहर जाना, अपनी जगह को छोड़ के बाहर जाना क्या कहलाता है दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पेशेंट है उसको एंडोमेट्रियोसिस, दोबारा से बता दिया, एंडोमेट्रियम एक्चुअली में यूट्रस की लेयर है, लेकिन यूट्रस को छोड़ के फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और बाउल तक अगर वो जा रही है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के नाम से हम इसे जानते हैं। तो उस पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है, इज कंसर्न्ड अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ हॉट प्लेसेस फ्रॉम हर, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके ट्रीटमेंट के अंदर दोस्तों उसको एक साइड इफेक्ट आ रहा है। वह कहते हैं कि वो पेशेंट है, वो कहती है कि मैं है ना जब कभी भी मैं दवाई लेती हूँ तो मुझे क्या होने लग जाता है, हॉट फ्लैशेज होने लग जाता है, मतलब कि उसको जो फेस है ना उसके ऊपर गर्म गर्म से फील होता है, उसको हॉट फील होता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, हॉट फ्लैशेज के नाम से जानते हैं, कि मैं जब मेडिकेशन लेती हूँ फ्रॉम हर प्रेस्क्राइब मेडिकेशन मुझे हॉट फ्लैश का क्या आता है, साइड इफेक्ट आता है। सी टेल्स द नर्स दैट हर मदर फाउंड देम वेरी अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग हर मेनोपॉज, वो कहते हैं कि जो उसकी मदर है, ठीक है, मतलब जो पेशेंट उसकी जो मदर है वो मुझे हमेशा क्या पाती है, पेशेंट को अनकंफर्टेबल पाती है, ठीक है, पेशेंट कहती है कि मेरे को मेरी माँ अनकंफर्टेबल पाती है हमेशा, ठीक है। तो दूसरा साइन आ गया कि पेशेंट क्या है दोस्तों, अनकंफर्टेबल है, एक हॉट प्लेसेज है। विच मेडिकेशन कोजेज दिस साइड इफेक्ट, तो कौन सी मेडिकेशन है दोस्तों जिसके कारण ये साइड इफेक्ट हो रहा है, बस फैक्चुअल क्वेश्चन है, मेडिकेशन का नाम पता होना चाहिए, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, ये पता होना चाहिए, तो आपको आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ल्यूप्रोलाइड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट विल बी ल्यूप्रोलाइड, क्या होगा दोस्तों, ल्यूप्रोलाइड होगा, ठीक है। ये वाले दर वाले याद मत किया करो आप, ये चीज़ें हैं ना ये मत याद किया करो, ये कोई काम के नहीं है। तो दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट होता है एंडोमेट्रियोसिस का, एंडोमेट्रियोसिस का जब हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक ड्रग दी जाती है जिसे हम ल्यूप्रोलाइड कहते हैं। ये ल्यूप्रोलाइड जो ड्रग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, एक तो ये जी एन आर एच एनालॉग है,
मतलब जैसे GNRH काम करता है ना, तो उसके जगह पे काम करने लग जाता है, ताकि GNRH का सीक्रेशन खुद का क्या होने लग जाए, कम होने लग जाए। ठीक है, ये रिसेप्टर से जाके जुड़ जाता है GNRH के। अब GNRH खुद काम नहीं कर पाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, फोलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH और LH का जो लेवल है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। FSH और LH का जब लेवल कम होगा दोस्तों, तो उसके कारण एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होगा, कम होगा। और एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होगा, तो उसके कारण से जो एंडोमेट्रियल जो ग्रोथ है ना, वो क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। क्योंकि आपने मेंस साइकिल में पढ़ा होगा कि एंडोमेट्रियल ग्रोथ के अंदर दो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक क्या होता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन। यहां पर एंडोमेट्रियम बाहर जा रही है अपनी जगह को छोड़ के, इसका मतलब एंडोमेट्रियम क्या कर रही है दोस्तों, ग्रोथ कर रही है, सिंपल से वर्ड में ये कह सकते हैं ना। तो हम उस ग्रोथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो उसको कम करवाने के लिए हम ड्रग देंगे, उस ड्रग का क्या नाम है, ल्यूप्रोलाइड है। कैसे दी जाती है, IM दी जाती है। कब दी जाती है, एक महीने में एक बार दी जाती है, वंस ए मंथ दी जाती है, एक महीने में एक बार IM तरीके से दी जाती है। कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, GNRH कैटेगरी की ड्रग है। कैसे काम करती है GNRH को, तरह काम करती है, उससे FSH और LH के लेवल को कम कर देती है, जिससे एस्ट्रोजन का जो लेवल है दोस्तों, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमें एस्ट्रोजन का लेवल कम करना क्या है यहाँ पे, जरूरी है, ताकि एंडोमेट्रियल जो ग्रोथ है दोस्तों, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन इस ड्रग के कुछ क्या आ जाते हैं दोस्तों, साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं इस ड्रग के, एक आपको क्वेश्चन में दे रखा है हॉट फ्लश, दूसरा भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है अनकंफर्टेबल। ठीक है, बाकी के याद करो तो कर लेना, नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हेडेक के अलावा क्या देखने को मिलेगा, स्वेटिंग, पेन एट इंजेक्शन साइट। जहाँ पर इंजेक्शन लगता है, वहाँ पर पेशेंट कई बार पेन की कंप्लेन करता है, थोड़ा सा हार्ड होता है ये। बस एक याद जरूर कर लेना, हॉट प्लस फील होता है, और सारे याद होना हो ये जरूर याद कर लेना। तो जो ड्रग है जिसके कारण उसे हॉट प्लस हो रहा है, एंडोमेट्रिसिस के हमने ट्रीटमेंट में दी है, उस ड्रग का नाम क्या है दोस्तों, उस ड्रग का नाम है ल्यूप्रोलाइड। ल्यूप्रोलाइड जो ड्रग है, उससे उसको हॉट प्लस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। इसमें एस्ट्रोजन दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ल्यूप्रोलाइड क्यों दे रहे हैं, कि एस्ट्रोजन क्या हो दोस्तों, कम हो। तो एस्ट्रोजन देंगे थोड़ी उसको पेशेंट को, एस्ट्रोजन तो हम इसमें देंगे नहीं, साइड इफेक्ट क्या आएगा। तो एस्ट्रोजन तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, इंडिकेटेड होता है। ठीक है, डाइक्लोफिनेक जो होता है, डाइक्लोफिनेक सबने सुना हुआ है नाम, डाइक्लोफिनेक वोवरोन पेन के लिए काम में आता है, लेकिन इसके कारण हॉट प्लस नहीं देखने को मिलता। इर्गोनोवाइन किस में काम आता है दोस्तों, जब लेबर के बाद में जो ब्लीडिंग है उसे कंट्रोल करने के लिए, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है ये ड्रग, जिससे जो ब्लीडिंग है दोस्तों, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसमें काम आती है। यहाँ पर एंडोमेट्रिसिस में के ट्रीटमेंट में ये यूज नहीं की जाती है, एंडोमेट्रिसिस ट्रीटमेंट में इसको हम यूज नहीं करते, और न ही ये ड्रग हॉट प्लस कोज करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, दैट विल बी ल्यूप्रोलाइड। मैं दोबारा से लगा देता हूँ, तुम्हें सारे ही गोल्ड कर दिया, कहीं आप सोचो कि सर सारे ही कर दिया आपने, तो ये हो गया ल्यूप्रोलाइड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और आज की क्लास का 30वां क्वेश्चन। एट ए 6 week जेस्टेशन ए क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद गोनोरिया। ठीक है, एक STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज है, कौन सी है दोस्तों, गोनोरिया है। एक पेशेंट है नाइजीरिया गोनोरी से होता है, ये नाइजीरिया गोनोरी जो बैक्टीरिया है दोस्तों, उसके द्वारा ये होता है, नाइजीरिया गोनोरी बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज होती है। एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, किसको अफेक्ट करती है, तो म्यूकोसा ऑफ, किसको अफेक्ट करती है ये गोनोरिया डिजीज, म्यूकोसा ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, माउथ की को भी कर सकती है, एंड रेक्टम की को भी कर सकती है। यहाँ की जो म्यूकोसा है दोस्तों, उसको क्या करती है दोस्तों, ये अफेक्ट करती है। वोट मेडिकेशन, एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, प्रेगनेंसी है, क्योंकि कुछ ड्रग्स प्रेगनेंसी में क्या होती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ना, तो हमें ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर 6 week जेस्टेशन में हम दे रहे हैं, 6 week की जेस्टेशन है, 6 week की प्रेगनेंसी है, उसको गोनोरिया हो गया है, तो आप क्या ट्रीटमेंट दोगे। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, सेप्ट्रिक्सोन ब्रॉड स्पेक्ट्रम डाइव, इसको यहाँ पर इन सबको काटो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ये, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ये, और प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफ रहती है। इसमें गोनोरिया के अंदर क्या रहती है दोस्तों, ये सेफ होती है, सेफ। तो जो सेफ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरिया है नाइजीरिया गोनोरी, उसको मारने का काम करती है, तो यही देंगे, तो सेप्ट्रिक्सोन विल बी द राइट आंसर। लेवोफ्लोक्सासिन नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक है, और सल्फोसेलाजीन है दोस्तों, सल्फोनामाइड पाया जाता है इसके अंदर, सल्फोसेलाजीन में क्या पाया जाता है, सल्फोनामाइड,
सल्फोनामाइड केमिकल पाया जाता है इसके अंदर, और जो ट्राईमेथोप्रिम है, ठीक है, ट्राईमेथोप्रिम या फिर इसको हम सल्फामेथाजोल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको काटना है, इसको नहीं, ट्राईमेथोप्रिम या सल्फामेथाजोल है, इसमें भी सल्फोनामाइड केमिकल पाया जाता है, दोनों में सल्फोनामाइड पाया जाता है, सल्फासेलाजीन में भी पाया जाता है सल्फोनामाइड केमिकल, और जो ट्राईमेथोप्रिम या फिर सल्फोमेथाजोल है इसमें भी पाया जाता है सल्फोनामाइड केमिकल। अब मैं सल्फोनामाइड के बारे में क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, सल्फोनामाइड जो केमिकल है ना, ऐसी कोई भी ड्रग जिसके अंदर सल्फोनामाइड केमिकल पाया जाए, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज दे कॉजेज फीटल हीमोलाइसिस, फीटस का जो आरबीसीज है उनका क्या करवाती है दोस्तों, ब्रेक डाउन करवाती है ये, इसलिए सल्फोनामाइड कंटेनिंग जितनी भी जो ड्रग्स है वो क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, तो ये वैसे भी हम नहीं देंगे और ये भी नहीं देंगे, ये तीनों ही ड्रग क्या होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। जो ड्रग मेनली दी जाती है वो कौन सी दी जाती है दोस्तों, सेप्ट्रिक्सोन दी जाती है, क्या दी जाती है, सेप्ट्रिक्सोन दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सेप्ट्रिक्सोन, इस क्वेश्चन का, इससे पहले वाले को मैंने वो नहीं लिखा है ना आपको शॉर्ट फॉर्म, चलो मैं भूल जाता हूँ भाई कई बार, लिख लो, एंडोमेट्रियोसिस के इलाज में, के ट्रीटमेंट में, इलाज तो मतलब कम से कम, एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में ल्यूप्रोलाइड ड्रग यूज की जाती है, ल्यूप्रोलाइड ड्रग यूज में ली जाती है जिसके कारण या ऐसे लिखो, जो कि एक GnRH एनालॉग है तथा एस्ट्रोजन को कम करता है, सीधा लिखा दिया मैंने यहाँ पे, है ना, वहाँ पर पूरे लिखा है मैकेनिज्म कैसे काम करता है, यहाँ पर सीधे देखो, एस्ट्रोजन को कम करता है मेनोपॉज में भी तो हॉट फ्लश देखने को मिलता है ना एस्ट्रोजन की कमी के कारण, मेनोपॉज में भी, यहाँ भी देखने को मिल रहा है, कम करता है, जिसके कारण कई बार हॉट फ्लश साइड इफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण हॉट फ्लश साइड इफेक्ट आ जाता है। एक बार मैंने क्वेश्चन को ना एक एक लाइन को वापस से रिवाइज करवा देता हूँ आपको, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ सारे करवाता हूँ मैं, 21 से 30 तक के करवाता हूँ। देखो 21 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है कि भाई पोस्ट कोइटल जो टेस्ट है वो कब परफॉर्म किया जाता है, तो 1 से 2 दिन के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। 22वें टेस्ट में क्या है दोस्तों कि फैलोपियन ट्यूब में जो डिफेक्ट है उसके कारण अगर इनफर्टिलिटी हो रही है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, पास्ट इन्फेक्शन होता है। ऐसे नहीं है कि वीडियो को पॉज कर दो, उसको देखना पूरा, ऐसे नहीं है कि बस पढ़ लिया ये तो याद नहीं होगा आपको, मैं बता रहा हूँ दोबारा से रिवाइज बहुत जरूरी है, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, मुझे पता है बाद में तो आप करो या ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अगर जेनेटिक टेस्टिंग के दौरान नर्स को कपल को ये बताना चाहिए कि एनवायरमेंटल जो फैक्टर है वो जेनेटिक फैक्टर को क्या कर सकते हैं दोस्तों, अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, एक क्वेश्चन नहीं बताया था बीच में, ये इनफर्टिलिटी कपल के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्लान करना सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। टोरिजन जो होता है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर इमीडिएट सर्जरी की जरूरत होती है, नहीं तो इरिवर्सिबल टिश्यू डैमेज क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। वुमन के रिप्रोडक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफ टेस्ट किया जाता है। पैप स्मेयर टेस्ट के दौरान अगर कोई मरीज एनेक्सिस दिखाई देता है तो नर्स को उसे उसके करंट जो स्टेटिस्टिक्स है सर्वाइकल कैंसर के उसके बारे में बताना चाहिए। ओवुलेशन हमेशा 14 दिन पहले होता है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंडोमेट्रिसिस की ट्रीटमेंट में हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, लैप्रोलाइड जो ड्रग है वो यूज करते हैं, ल्यूप्रोलाइड ड्रग यूज करते हैं, और ये जो ड्रग है ये एक GnRH एनालॉग है जिसके कारण हॉट प्लस साइड इफेक्ट आता है।
और इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि गोनोरिया के ट्रीटमेंट में प्रेगनेंसी के दौरान सेप्ट्रिक्सोन यूज में लिया जाता है, तो इसको भी लिख लो, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलो इसको भी लिख लो। देखो प्रेगनेंसी के दौरान गोनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं सेप्ट्रिक्सोन, मोनोसेप बोलते हैं जिसको कई लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये ट्रीटमेंट के लिए, सेप्ट्रिक्सोन का यूज किया जाता है, सेप्ट्रिक्सोन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। तो इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम पढ़ेंगे 31वें से 40वें क्वेश्चन तक। सभी अपना ध्यान रखो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच।